जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोनी टीवी का शो पहरेदार पिया की बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया था, लेकिन अब शो के सीक्वल के तौर पर कुछ दिनों के बाद ही शुरू होने वाला है रिश्ता लिखेंगे हम नया। आपको बता दें कि ये शो 7 नवंबर से लॉन्च होगा, लेकिन ये शो शुरू हो उससे पहले ही ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये शो भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगा, या फिर कहीं इस नए रिश्ते से भी कोई नया बवाल तो नहीं मचेगा। वल आपको बता दें कि पहरेदार पिया की कहानी एक 9 साल के बच्चे और 21 साल की लड़की की थी, जो ऑडियंस के गले नहीं उतर सकी। पूरे टीवी इंडस्ट्री में इस शो को लेकर खूब बवाल मचा और नतीजा ये हुआ कि शो को महज कुछ दिनों के बाद ही ऑफ एयर कर दिया गया। अब उसी शो के मेकर्स लेकर आ रहे हैं रिश्ता लिखेंगे हम नया, जिसमें 8 साल के बच्चे के पहरेदार नहीं बल्कि कुंवर रतन मान सिंह के साथ दिखेंगी दिया यानी तेजस्वी प्रकाश, और रतन के किरदार में होंगे एक्टर रोहित सुचांती। वैसे आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले ही रिश्ता लिखेंगे हम नया का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जो लोगों को काफी पसंद भी आया था। 55 सेकंड के इस ट्रेलर में रतन को फॉरेन रिटर्न दिखाया गया था, वहीं दिया उनको अपनी हवेली के बारे में बताती दिखाई दी थी। ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया था। इस शो को लेकर मेकर्स का भी कहना है कि इसमें किरदारों के नाम भले ही पुराने हों, लेकिन ये शो पहरेदार पियाकी का सीक्वल नहीं है। इसकी स्टोरी लाइन पिछले सीरियल से बिल्कुल अलग है। वेल, अगर हम भी स्टोरी की बात करें तो ट्रेलर की आखिरी लाइन आपको शो की स्टोरी लाइन का हिंट जरूर दे सकती है। ट्रेलर में दिया और रतन की जोड़ी भी काफी अच्छी लग रही है, साथ ही शो की लोकेशंस भी काफी बेहतरीन है। वेल, अब देखना होगा कि दिया रतन की नई जोड़ी क्या कमाल करती है। इस शो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या दिया रतन के इस नए रिश्ते से भी कोई बवाल मचेगा।